राइट, ये चीज आएगी नहीं ना अब जो हो गया हो गया, अब तो गया जाएगा ये एग्जाम 2 बजे एंड मैं 1:30 बजे सोई हुई हूँ। देर आर नॉट 8 सब्जेक्ट्स इन सीए फाइनल बट देर आर 9 एंड द 9th सब्जेक्ट इज फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट। तो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। सो स्वागत है आप सबका टू द अनदर एपिसोड ऑफ शॉर्ट्स विद शुभम, जहां हम डिस्कस करते हैं, पूछते हैं आपके मन के सवाल आपके फेवरेट क्रिएटर से। सो टुडे वी हैव विद अस पलक राठी। सो पलक, वेलकम टू द शो। हे हाय शुभम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड आपने आई थिंक जैसे ही स्टार्ट किया ना, मुझे याद आ गया जब मैं आपके यूट्यूब वीडियोस देखती थी और आप कोई भी वीडियो शुरू करने से पहले ऑडिट का ऐसा बोलते थे, हेलो कैसे हैं आप सब, वो एकदम रिकॉल हो गया। Awesome. So Palak has been doing awesome in the content creation. आप Instagram पे इनका पेज देखो, so she has just crossed I think 1 lakh followers on Instagram. LinkedIn पे ये छाई हुई है, तो मुझे लगता है कि हर CS student का एक मन होता है कि वो भी कहीं ना कहीं content creation की दुनिया में आगे जाए। So today's episode will be specially bound around that. But being a chartered accountant, इनसे एक सवाल पूछना तो जरूर बनता है। Palak जल्दी से बताओ, क्यों आपने CA को choose किया as a course? ओके, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सो आई कम फ्रॉम सूरत, गुजरात, ठीक है। एंड यहाँ पे आई कम फ्रॉम अ मारवाड़ी, टिपिकल मारवाड़ी फैमिली, थोड़ी कंजर्वेटिव सी। तो आई डिडंट रियली हैव द ऑप्शन कि मैं कहीं बाहर जाके पढ़ूँ या यू नो सूरत से बाहर मूव हो। तो अगर वो ऑप्शन होता तो आई थिंक मैं जर्नलिज्म या वो वैसा कुछ परस्यू करती, बट बिकॉज आई हैड टू स्टे इन सूरत एंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर कॉमर्स की फील्ड ऑब्वियसली सीए ही था। एंड मेरे पापा का भी मन था कि घर में एक सीए हो, तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि ठीक है 12th के बाद लेट्स परस्यू सीए बिकॉज बेस्ट ऑप्शन इन सूरत। तो ऑनेस्ट आंसर ये है। या अब जल्दी से ये बताओ, हाउ हैज बीन योर सीए जर्नी, मतलब सीए फाउंडेशन, आई थिंक तब तो सीपीटी होता था, सीपीटी से लेके सीए फाइनल तक कैसा रहा सफर? एकदम स्मूथ था क्या? क्या स्कोर्स थे, कब तक क्लियर किया? About the journey, so CPT में I scored 171, then intermediate में it was 534, and then final I cleared last year only May में। So final में कैसा हुआ था ना कि I am a student जो exam आती है तब खाना पीना सोना सब बंद और रोना आता है बस, मतलब मैं उस type की student थी। और final में तो इतना ज्यादा pressure आ गया था कि मतलब आई लॉस्ट 6-7 kgs ऑफ वेट बिफोर माई एग्जाम, तो मतलब इट वॉज वेरी 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 बैड फेज। तो इसीलिए फाइनल में जब मैंने दिसंबर 2021 वाला जो अटेम्प्ट था उसमें मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, एंड तब तो मैं ऐसा हो रहा था 1:30 बजे मैं घर पे बेड पे सोई हुई हूँ, एग्जाम 2 बजे एंड मैं 1:30 बजे सोई हुई हूँ कि यार मेरे को नहीं जाना एग्जाम देने, मेरे से नहीं हो रहा है। तो मेरे को घर वालों ने कैसे भी करके पुश किया कि जा 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 देख के आ, एटलीस्ट डर निकलेगा अगली बार कर लेना ढंग से, पर तू जा। तो ठीक है, चली गई एग्जाम देने एंड लकीली तब एक ग्रुप क्लियर हो गया। मतलब आई वॉज नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट कि कुछ होगा, क्योंकि मैं बुक्स खोले बिना जाती थी कि नहीं हो रहा है मेरे से, मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई कैन डू, इतना प्रेशर नहीं हैंडल हो रहा है। बट ठीक है, एक ग्रुप हो गया एंड देन लास्ट मे, दैट इज मे 2022, तब आई गेव फर्स्ट ग्रुप एंड वो भी क्लियर हो गया। Awesome. अब आपको क्या लगता है कि मतलब इसी के ऊपर एक क्विक क्वेश्चन टू यू, आपको लगा कि उस टाइम पे कहीं ना कहीं प्रेशर डील नहीं हो पाया, आप क्या सही कर सकते थे उस टाइम पे, जो अभी कोई, क्योंकि कई सारे बच्चे होंगे जिनके आगे एग्जाम्स आने वाले हैं, उनको क्या इंश्योर करनी चाहिए कि उनके साथ ये चीज ना हो? लेट्स लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स। श्योर श्योर, तो आई थिंक मेरा प्रिपरेशन वाइज तो आई वॉज सॉर्टेड, बट जो मेंटल प्रेशर आता है वो हैंडल करना इज अ वेरी बिग टास्क, ऑब्वियसली इट्स द टफेस्ट थिंग टू डू, आई अग्री। तो आई थिंक थोड़ा उस चीज को अगर हम लाइटली लेने का ट्राई करेंगे ना कि ठीक है यार कर लेंगे, बिकॉज आई हैव सीन कि ऐसे लोग है ना जो मतलब आप मे बी एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि यार इनका हो गया क्लियर और मेरा नहीं हुआ, पर उनका क्यों हो गया, बिकॉज वो उतना प्रेशर नहीं लेते थे यार, वो एकदम सिंपली इजिली करते थे। तो आई थिंक मैंने किसी का पोस्ट पढ़ा था लिंक्डइन पे कि देर आर नॉट 8 सब्जेक्ट्स इन सीए फाइनल बट देर आर 9 एंड द 9th सब्जेक्ट इज हाउ डू यू हैंडल प्रेशर एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। मतलब अगर आपने वो सब्जेक्ट क्लियर कर दिया ना तो 8 ये जो बाकी के 8 है वो अपने आप निकल जाएंगे। बिल्कुल सही बोला, 9th सब्जेक्ट में अगर आपने महारथी प्राप्त कर ली तो ऑटोमेटिकली 8 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाई एवरीवन से टू एवरीवन, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, यू शुड एंजॉय दिस जर्नी, जितना आप एंजॉय करोगे उतने आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। एंड ऑल्सो अगर आपके पास शुभम सर जैसे फैकल्टी हैं जो ऑडिट को लर्न विद फन करवा देते हैं तो द जर्नी विल बिकम मच मोर इजीयर।
इसको ना मैं अलग से ना एक बार ट्रिम करवा के ना 3 4 जगह डालूंगा। बढ़िया बढ़िया, चलो। डेफिनेटली एंड आई रिमेम्बर पलक यू शेयरिंग योर पोस्ट ऑन लिंक्डइन, तो अब मैं थोड़ा सा एक साइड लेके जा रहा हूँ जहां पे यू हैड शेयर्ड योर बुक सेट। जनरली क्या होता है ना, बच्चे अपने हाइट से बड़ी बुक सेट के साथ खड़े हो जाते हैं और ऐसे ना फोटो खिंचवाते हैं बुक सेट्स के साथ। तो यू हैड नॉट पोस्टेड लाइक अ फोटो लाइक दैट, आपकी बुक सेट छोटा सा था। एंड देन यू हैड सेड कि यार आज की डेट में द बुक्स आर बिकमिंग वेरी कंसाइज, जो नोट्स आपको चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट, कैसा क्या था वो? या डेफिनेटली, तो वो तो मेरा प्लान था ही कि मेरे को जो लंबा सा पिलर होता है वैसे बुक्स के साथ फोटो नहीं खिंचवाना है, बिकॉज लकीली आई गॉट वेरी वेरी गुड रिसोर्सेस फॉर ईच सब्जेक्ट. जैसे ऑडिट में आपने एक बुक में क्वेश्चंस और नोट्स दोनों डाल दिए, तो उससे बेटर क्या हो सकता है. वरना जनरली क्या होता है कि मॉड्यूल्स भी पढ़ो, फिर एक रेफरेंस बुक होता है, फिर क्वेश्चंस के लिए अलग बुक होता है, देन एमटीपीज आरटीपीज वो सब के लिए अलग बुक्स होती है. तो आई थिंक वो चीज आपने कंसाइज कर दी थी सिर्फ एक बुक में, तो अगेन जो 5 6 बुक्स है उसको हटा के एक ही बुक आ गई. एंड वैसे ही लॉ के लिए डीटी आईडीटी सारे सब्जेक्ट्स के लिए देर आर सम रियली रियली अमेजिंग फैकल्टीज आउट देयर जिन्होंने बहुत कंसाइज कर दिया है. एंड मैंने मेरा प्लान वही था कि यार मेरे को कम से कम चीजें पढ़नी है, पर वो जितना पढ़ रही हूँ अच्छे से पढ़ना है. एंड दैट्स वाई जो मेरा जो पिलर था वो मेरी हाइट से आधा था दोनों ग्रुप्स का. तो दैट वाज द मैसेज दैट आई वांटेड टू गिव, बिकॉज जनरली मैंने देखा है कि मेरी खुद की कजिन जिसको जो सोच रही थी कि यार सीए करना है, तो उसने लोगों के पोस्ट देखे होंगे एंड इतनी सारी बुक्स, एंड उसमें भी कुछ कुछ पोस्ट ऐसे होते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग ऑब्वियसली इन देम, क्योंकि उन्होंने उतना पढ़ा है एक्चुअली कि सीपीटी इंटर फाइनल सारी बुक्स एक साथ आ जाती थी. तो लोगों को देख के तो लगता है भाई इतना सब कैसे होगा, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं उनको मे बी ऐसा डर आ सकता है. तो दैट्स व्हाई आई वांटेड टू डू समथिंग डिफरेंट, कि कम बुक्स में बताना था कि यार इतना पढ़ोगे तो भी सीए क्लियर हो जाएगा, बिकॉज बहुत अच्छे फैकल्टीज एंड रिसोर्सेस आ चुके हैं. सो या दैट वाज द आइडिया बिहाइंड इट. Right, and you wanted to do something different, and now I think you are also doing something different. So you are now doing something जो generally CA students नहीं सोचते। जब वो पढ़ रहे होते CA तो वो सोचते या तो मैं बहुत बढ़िया जॉब करूंगा या मैं बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करूंगा, but no one thinks about content creation as a profession. So how come you thought of doing that after clearing CA? तो बेसिकली लाइक आई सेड कि जब मेरा जुलाई में क्लियर हुआ लास्ट ईयर, तो तब आई हैड ऑलरेडी स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत. तो देर वाज दिस फ्रेंड ऑफ माइन जिनका न्यूज लाइन करके एक शॉर्ट वीडियोस का ऐप था, तो मैंने लास्ट फेब्रुवरी में ऐसे ही स्टार्ट किया था एज ए फ्रेंड. और मेरे को पैशन भी था, जैसा मैंने बोला कि आई वांटेड टू परस्यू जर्नलिज्म एंड आई रियली लाइक पब्लिक स्पीकिंग. तो मैंने सोचा कि यार ये तो अच्छी चीज है, इसको मैं एज अ ब्रेक देखूंगी, क्योंकि मेरे को तब एक ग्रुप के लिए ही पढ़ना था फेब्रुवरी से जब मई वाला पीरियड था. तो मैंने सोचा कि ठीक है यार दिस इज समथिंग गुड, दिस इज समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, तो शुरू करते हैं. तो तब मैं आई थिंक महीने में 4 5 वीडियोस बनाती थी न्यूज कॉन्टेंट पीसेस के अराउंड. फिर अगेन वो अप्रैल मार्च में छूट गया बिकॉज एग्जाम्स थी, तो तब नहीं हो पाया. एंड देन मैंने सोचा कि ठीक है एग्जाम्स खत्म, अब वापस आते हैं कंटेंट क्रिएशन में. तो तब मैंने मेरे प्रोफाइल पे भी डालना शुरू किया जो वीडियोस मैं उनके लिए बनाती थी. एंड देन आई सॉ रियली गुड ट्रैक्शन, मेरा ग्रोथ काफी अच्छा होने लगा था एट अ इन अ शॉर्ट टाइम वन कैन से. तो हाँ फिर मैंने सोचा कि यार ग्रोथ अच्छा हो गया है, अपॉर्चुनिटीज तो दुनिया भर की है कंटेंट क्रिएशन स्पेस में इन जनरल, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज लव्ड डूइंग. बचपन से ही आई थिंक ऐसा कोई एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन नहीं रहा होगा जिसमें मैंने पार्ट नहीं लिया हो. तो दैट वॉज समथिंग ऑफ माई इंटरेस्ट, एंड इन जनरल मुझे अपडेटेड रहना कि क्या हो रहा है उसमें इंटरेस्ट है ही. तो आई थॉट कि दिस इज अ परफेक्ट मिक्स ऑफ क्या बोलते हैं टीचिंग और स्टेइंग अपडेटेड और पब्लिक स्पीकिंग, सबका अच्छा मिक्स लग रहा था कॉन्टेंट क्रिएशन. सो दैट्स वाई आई थॉट कि वाई नॉट डू दिस. एंड विद द टैग ऑफ सीए दैट आई हैव, मेरे पास ऑब्वियसली नॉलेज है फाइनेंस का, तो इट आई ऑलवेज सी द टैग ऑफ सी एज अ क्या बोलते हैं बेनिफिट एंड अ ग्रेट एसेट फॉर मी इन द कॉन्टेंट क्रिएशन स्पेस. बिकॉज वही है यार कि अगर आप दो क्रिएटर्स को देखो कि दोनों में मान लो फाइनेंस के अराउंड एक कॉन्टेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, एंड एक के पास है सी ए, दैट पर्सन इज सी ए, एंड दूसरा जो पर्सन है वो सी ए नहीं है बट दे जस्ट क्रिएट कॉन्टेंट अराउंड फाइनेंस. तो जो क्रेडिबिलिटी ज्यादा बिल्ड होगी वो पहले में बिल्ड होगी, बिकॉज यार तुम सीए हो तो तुम जो बात कर रहे हो उसमें सेंस बना ही रहे होगे, एंड वो अपने आप वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द टैग ऑफ सीए. सो आई थिंक दैट रियली हेल्प्ड मी. या दैट मेक सेंस, दैट मेक सेंस। एंड कहीं ना कहीं जब आपने सीए के बाद बोला कि नहीं मेरे को कंटेंट क्रिएशन में आगे जाना है, यू आर डूइंग वेल। आप कितना ही वेल कर लो ना, ठीक है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली जो घर वाले होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको ये लगता है
कि भाई इतना पढ़ाया लिखाया, इतना आगे तक लेके आए, वो सब या के लिए कि बच्चा वीडियो बनाएगा। और एक तो ना इंस्टाग्राम और की थोड़ी इमेज भी वही है ना, लाला लीली लीला ली, तो मतलब तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा होगा यार ये कैसी अनसाइड चीजें करने जा रही है। तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट एस्पेक्ट, कैसे उसके साथ डील किया? आई एम स्टिल ओवरकमिंग इट बाय द वे. वो ओवरकम अभी तक कंप्लीटली हुआ नहीं है, बट या इट वाज अ टफ फेज टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब एंड आई कांट रियली ब्लेम माय पेरेंट्स और माय फैमिली आल्सो, बिकॉज तो ऐसा होता है ना कि जो एक जनरेशन ऊपर है, मतलब पापा मम्मी बड़े पापा, तो इन लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा था कि यार ये क्या चीज होती है कंटेंट क्रिएशन करना. मतलब उन ऑब्वियसली यू कांट ब्लेम देम, क्योंकि वो इतना इंटरनेट यूज नहीं करते, उनको उतना अपडेटेड नहीं है वो कि यार दिस इज द नेक्स्ट बिग थिंग. मतलब उन लोगों को वो चीज नहीं अभी समझ में आ रही है, एंड दैट्स फाइन. मतलब उनका अपने जगह पे जो कंसर्न है कि वो सही है. बट अगेन इफ आई सी पीपल माई एज, मेरे भाई बहन ये लोग, वो तो जब भी मिलते हैं इन्फ्लुएंसर, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, एंड इन अ गुड वे, कि यू आर यस डूइंग समथिंग गुड एंड समथिंग न्यू एंड समथिंग ऑन योर ओन, दैट इज रियली नाइस. तो अगेन जो मेरी ऊपर वाली जनरेशन है उसमें वो चीज आने में टाइम लगेगा, बट ऑन अ ब्राइटर नोट दैट हैज स्टार्टेड ऑलरेडी. क्योंकि आई टेल यू दिस इंस्टेंस, अभी सूरत में देर वॉज दिस मेगा सी ए स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है, देर वर 1500+ सी ए स्टूडेंट्स इन दैट कॉन्फ्रेंस, एंड आई वॉज इन्वाइटेड एज वन ऑफ द पैनलिस्ट इन दैट कॉन्फ्रेंस. एंड वाई आई वॉज इन्वाइटेड, बिकॉज आई एम अ कॉन्टेंट क्रिएटर एंड बिकॉज आई एम डूइंग समथिंग डिफरेंट इन द सी ए फ्रिटर्निटी. तो तब मैंने पापा को ये चीज बोली थी कि पापा मेरे जो दोस्त जो जॉब कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो, वो लोग को नहीं बुलाया, मुझे बुलाया है. तो हाँ, मतलब क्योंकि वो चीज मुझे डालना बहुत जरूरी है पापा के माइंड में, ऐसी ऐसी चीजें जो होती रहती है, कहीं जो इनविटेशंस आते हैं कॉलेजेस से कि यू कम हियर एंड मतलब स्पीकर बनो एंड आप बताओ, आपके इनसाइट शेयर करो, तो ऐसा कुछ कुछ भी आता रहता है. तो मैं पापा को बताती रहती हूँ सबसे पहले कि पापा देखो आज यहाँ से कॉल आया, आज यहाँ से इन्विटेशन आया, यहाँ बुलाया यहाँ बुलाया. तो फिर पापा को भी अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि ओके हाँ दिस इज अ लेजिट थिंग. तो हाँ, मतलब इट्स अ प्रोसेस, इवेंचुअली स्मूथ हो जाएगा एंड या दैट्स इट. तो इवेंचुअली द थिंग्स फॉल इन प्लेस। मैं बताता हूँ, देखो वैसे ना सीए स्टूडेंट्स को ना ये चीजें कहीं ना कहीं आ रही होती है, क्योंकि कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर हम ना अपनी फैमिली को ना मना नहीं पा रहे कि हम अटेम्प्ट कैसे स्किप करें, कई बार ये होता है। हाँ तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको ना मनाना स्टार्टिंग से आ रहा होता है अपनी फैमिली को कि भाई मैं इस बार एक ग्रुप दे रहा हूँ, मैं इस बार दूसरा ग्रुप दे रहा हूँ, मैं आराम से कर लूंगा। एंड नाउ अभी आपने जैसे किया, आपने अपनी फैमिली को मना लिया कि किसी तरह से मैं जॉब नहीं कर रही, गिव मी सम टाइम, आई वॉन्ट टू डू दिस। बट यू टेल मी दैट कॉन्टेंट क्रिएशन, जितना मुझे लगता है कि इट इज अ वेरी कंसिस्टेंट प्रोसेस, आपको कंसिस्टेंसी बहुत रखनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपने कोई ऐसा प्रोजेक्ट किया था, कुछ आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी आई थी जिससे आपको कहीं लगा कि यार हाँ आई कैन डू दिस, मैं अच्छे से इसमें कंसिस्टेंटली वैल्यू क्रिएट कर सकती हूँ। देखो कंसिस्टेंसी की मैं अगर बात करूँ तो हर सीए स्टूडेंट के खून में है ही. मतलब तभी वो सीए कर रहे हैं, तो आई थिंक वो उस सेंस में तो सॉर्टेड ही है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अपॉर्चुनिटीज, तो हाँ जैसा मैंने आपको बताया कि जो स्टार्ट हुआ था वही एक फ्रेंड के ऐप से बनाना, तो वैसे आई गॉट इन टू दिस स्पेस इनिशियली, तो दैट इज वन. एंड उसके अलावा क्या हुआ था ना, लिंक्डइन ने एक प्रोग्राम निकाला था, लिंक्डइन क्रिएटर एक्सेलरेटर प्रोग्राम. सो इट वॉज द फर्स्ट टाइम एवर इंडिया में लिंक्डइन ने ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस किया था, जहाँ पे उन्होंने 200 क्रिएटर्स इन द कंट्री को शॉर्टलिस्ट किया था. एंड लकीली आई वाज आल्सो वन ऑफ दोज क्रिएटर्स. सो आई स्टिल रिमेम्बर ग्रुप वन की जब मैं एग्जाम दे रही थी, तब मतलब 2 बजे एग्जाम थी एंड सुबह 10 बजे वो शॉर्टलिस्ट वाला जो एप्लीकेशन था ना, वो रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे कि यू हैव बीन सिलेक्टेड. एंड तब मुझे बताया मेरे फ्रेंड ने कि अरे तेरा सिलेक्शन हो गया, और तब मैं सोचा ओ माय गॉड सिलेक्ट हो गया. एंड तब फिर पढ़ना मेरे लिए बहुत टफ हो गया था कि अरे यार नहीं, वापस वो जोन में आना है कि मुझे पढ़ाई करनी है. सो या बेसिकली वो प्रोग्राम ने मुझे बहुत हेल्प किया था टू ग्रो ऑन लिंक्डइन, बिकॉज वो प्रोग्राम में बेसिकली देर वर सेशंस फ्रॉम द लिंक्डइन टीम, अंकुर वारिकू, नाज डेली, राधिका गुप्ता, ये सब लोग आए थे इन द मतलब इनका अलग अलग सेशंस था जहाँ पे वो बताते थे कि हाउ टू क्रिएट कॉन्टेंट, हाउ टू ग्रो एज अ क्रिएटर. तो वो सब सेशंस थे एंड हमको ये भी चीज था कि हमको 3 to 4 पोस्ट करने ही थे वीकली, तो वो एक कंपल्शन भी था. एंड दे ऑल्सो पेड अस अ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू जो भी हमारा प्रोजेक्ट था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. इट वॉज अ वेरी वेरी लॉन्ग एप्लीकेशन जो था बेसिकली, तो उसमें हमको हमारा प्रोजेक्ट के बारे में भी बताना था कि हमारे माइंड में क्या है, किसके अराउंड हमको कॉन्टेंट क्रिएट करना है. सो या तो वो इट वॉज अ 10 वीक्स का प्रोग्राम, तो उसमें जितना मेरा ग्रोथ हुआ था एज अ क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, आई थिंक दैट प्लेड अ वेरी वेरी पिवटल रोल इन मूविंग टूवर्ड्स दिस कॉन्टेंट क्रिएशन थिंग.
राइट. एंड कहीं ना कहीं वो लिंक्डइन प्रोग्राम से आपको मौका मिला, यू स्टार्टेड विद इट. बट ठीक है, एक बार मौका मिला, यू स्टार्टेड विद इट, फैमिली को भी मना लिया, नाउ यू आर डूइंग द कंटेंट क्रिएशन पार्ट आल्सो. बट अभी आपने आई थिंक रिसेंटली कोहर्ट भी लॉन्च किया था जिसका नाम था क्रिएट एक्स करके, आई थिंक ऐसा कुछ था. कैन यू राइट राइट टॉक राइट मोर अबाउट दैट? मतलब क्रिएटेक्स से इट्स लाइक अ कोहोर्ट, अ लर्निंग कोहोर्ट, जहाँ पे जो एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको इस स्पेस में घुसना है पर समझ में नहीं आ रहा यार कि कहाँ से शुरू करें, कैसे कंटेंट बनाएं, कैसे डिलीवर करें एंड कैसे हाउ टू मोनेटाइज द कंटेंट स्पेस, तो उनके लिए दिस इज अ वेरी गुड स्पेस टू लर्न. तो इट्स अ 1 month का कोहोर्ट है जहाँ पे 7 sessions होंगे, वेरी वेरी फन सेशंस एंड लर्न ऑफकोर्स फन विथ लर्न, वो वाला लर्न विथ लर्न फन, लर्न विद विथ फन. हाँ एग्जैक्टली, तो वही चीज है. एंड मतलब फर्स्ट कोहोर्ट में जो क्रिएटर्स थे उन्होंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल्स बना दिए, अब कंटेंट शेयर कर रहे हैं वो, एंड इट्स अ प्रॉपर कम्युनिटी. जैसे कोई भी कुछ शेयर करता है तो जो बाकी के लोग हैं वो अप्रिशिएट करते हैं, वो इसने शेयर किया, इसने कोलैब किया, ये किया वो किया, तो इट्स वेरी गुड टू सी. मतलब अलॉन्ग विद लर्निंग कॉन्टेंट क्रिएशन यू आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ वेरी रिच कम्युनिटी. एंड वैसे ही हमारा फिर प्लान है कि फॉर एस्पायरिंग क्रिएटर्स इट्स एन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, एंड फॉर कंपनीज जिनको यार कॉन्टेंट क्रिएट करवाना है उनके लिए इट्स अ कॉन्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे वो आ सकते हैं, क्रिएटर्स को हम मीटअप करवा देंगे एंड देन दे क्रिएट कॉन्टेंट फॉर दोज कंपनीज. सो दैट इज द हाई लेवल प्लान विद क्रिएटेक्स, एंड वी आर लॉन्चिंग द सेकेंड कोहोर्ट इन मार्च, द रजिस्ट्रेशन आर ओपन. कैन वी प्रोवाइड द एप्लीकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन? ठीक श्योर 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 है, सो वी विल प्रोवाइड द एप्लीकेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड यू वर टॉकिंग अबाउट पर्सनल ब्रांडिंग. यार देखो पॉइंट क्या है ना, जॉब है ना, हाँ जॉब में क्या हो रहा है ना, मेरे ऊपर ना कोई बंदा खड़ा है, वो बोल रहा है शुभम ये काम कर और ये काम मेरे को शाम तक प्रोवाइड कर, ठीक है. एंड अगर मैं करूंगा हाँ तो वाहवाही का तो पता नहीं, बट वो काम करना जरूरी है. बट हाँ अगर हाँ वो काम नहीं करा तो डांट पड़ेगी, एंड मुझे उस डांट के डर से वो काम करना पड़ता है. एंड मंथ सही के एंड में मेरे पास एक फिक्स्ड अमाउंट है जो क्रेडिट होती ही होती है, ठीक सही है. है. हाउ डू यू फील इज डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन डिफरेंट फ्रॉम द जॉब, एंड क्या चैलेंजेस आते हैं उसमें, ये बताओ. ऑल राइट, सो चैलेंजेस में जो आपने बोला, ऑफ कोर्स जो जॉब और स्टार्टिंग समथिंग ऑन योर ओन में जो एक स्टेबिलिटी का जो फैक्टर आता है कि हर महीने एक मतलब चेक है वो क्रेडिट हो जाएगा, तो वो एक रिलीफ रहता है कि हाँ भाई वो तो आने ही वाला है कुछ भी हो जाए. राइट. तो ऑफ कोर्स जब आप कुछ नया शुरू कर रहे हो तो वो चीज एक चैलेंज रहेगी, बिकॉज इनिशियली आपको वो बिल्ड करने में टाइम लगेगा कि ऐसा, पर ऑफ कोर्स उसमें ऐसा भी एक फेज आएगा जब मे बी आप साल में जितना कमा लोगे उतना आपको एक महीने में भी आ जाएगा. तो आई थिंक वो चीज से, उस माइंडसेट से अगर सोचे कि यार उतना बड़ा पहुंचना है, उतना बड़ा करना है कुछ, तो वो मेंटालिटी हेल्प करेगा. एंड आई मीन इफ यू बिलीव इन वॉट यू आर डूइंग, एंड अगर आपके पास उतना प्रिविलेज भी है कि आप कर सकते हो कुछ चीज, बिकॉज आई हैड दैट प्रिविलेज कि मैं कुछ अपना शुरू कर सकती हूँ. मतलब मुझे इतना फाइनेंशियली वो क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की या वैसा कुछ नहीं था. तो जनरली हर किसी के पास वो प्रिविलेज नहीं होता है कि वो कर सके, तो ऑब्वियसली फिर वो लोग मतलब जो वो लोग होते हैं वो मे भी ऐसा करते हैं कि 2 3 साल तक जॉब कर लो, थोड़ा एक स्टेबिलिटी बिल्ड कर लो, एंड देन इफ दे हैव सम आइडिया देन वो फिर उस पर वर्क करना फिर बाद में शुरू करते हैं. बट आई वॉज लकी दैट आई हैड दैट प्रिविलेज पहले से ही, तो एंड आई वॉज इन द स्पेस डूइंग गुड, सो मतलब कब बेनिफिट्स हो गए वो चीज मेरे लिए. राइट. एंड हाँ दैट्स दैट्स अबाउट इट, हाउ आई स्टार्टेड इट एंड जो चैलेंजेस आते हैं उसमें. मतलब स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में कभी डाउट होता था? बिकॉज मेरे को तो बहुत होता था. मैं फ्रेंकली बताऊं, मैंने भी जॉब छोड़ी थी टीचिंग पकड़ना. आई थिंक इट्स कहने को, मेरे को तो लगता है सिमिलर ही है, ठीक हाँ हाँ है. हाँ बट कहीं ना कहीं इनिशियली बड़ा डाउट होता था यार, एक अपॉर्चुनिटी कुछ समझ हो रही रहा हूँ. है. हाँ हाँ, हाँ हाँ एंड रात को ना सोते वक्त भी कई बार लगता था यार क्या करा है मैंने, गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया. वापस एक बार एचआर को कांटेक्ट करके पूछो, जॉब वापस मिल हाँ सकती है. तो डू यू फेस दैट हाँ थिंग? हाँ हाँ मतलब डेफिनेटली होता ही था वो स्टार्टिंग में, कि जब मैं देख रही थी कि यार मेरे फ्रेंड्स का जॉब लग रहे हैं, आई थिंक तब ये चीज ज्यादा होती थी मुझे कि एक फ्रेंड का कॉल आया यहाँ पे प्लेस हो गए, एक का कॉल आया वहां पे प्लेस हो गए. एंड मेरा ऐसा था कि मेरे को तो खैर मैंने अप्लाई नहीं किया था क्योंकि मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि यार मेरे कंटेंट क्रिएशन में जाना है. बट हाँ ऑफकोर्स तब कहीं ना कहीं लगता था कि सही किया या नहीं किया, सही किया या नहीं किया, पर फिर ठीक है वो लगता था एंड फिर भूल जाते थे कि नहीं यार ये चीज सोची है, करनी है तो करेंगे. सीए वाला जो, सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि इसको मैंने ऐसे ही देखा था कि यार अगर ये नहीं वर्कआउट हुआ जो मैं कर रही हूँ तो हाँ आई ऑलवेज हैव माई सीए डिग्री विथ मी. मतलब मैं वापस
इसको जा सकती हूँ जॉब मार्केट में या कभी भी, अगर ये चीज मुझे लगता है कि नहीं वर्कआउट हुई, पर अगर मैं एग्जैक्टली ट्राई ही नहीं करूंगी यार कि ये क्या है, तो फिर मैं हमेशा वो रिग्रेट में ही रह जाऊंगी कि यार व्हाट इफ दैट वुड हैव वर्कड आउट, व्हाट इफ दैट वाज द राइट टाइम टू स्टार्ट इट. काश तो आप वो एकदम काश रिलेट कर पा रहे हो क्या? हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना वो आई थिंक आई वॉच द आई एम नॉट श्योर इफ यू हैव वॉच दैट मूवी चलते चलते देखी है नहीं शाहरुख नहीं खान नहीं और अच्छा शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की मूवी है एंड उसमें ना हाँ वो एक ही टॉपिक पे बोलता है कह रहे जिंदगी में ना कभी काश नहीं होना चाहिए काश हाँ एग्जैक्टली मैं ये कर एग्जैक्टली लेता काश मैं उसको बोल देता काश मैं ये चीज हो जाती काश मैंने ये ट्राई किया होता क्योंकि एक लाइफ है एवरीवन बिलीव्स इन दैट फैक्ट एंड आई थिंक डेफिनेटली यू कांट इग्नोर दैट तो कभी ना जिंदगी में काश नहीं होना चाहिए जो करना है कर लो ट्राई कर लो एक चीज और भी ये आई थिंक एवरीवन सेज दैट फेलियर इज बेटर देन रिग्रेट डेफिनेटली 100% अग्रीड, क्योंकि आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगा कि यार अच्छा ठीक है, ये आइडिया नहीं वर्कआउट हुआ तो अब कुछ और करना है, वरना अगर आप वो ट्राई ही नहीं करोगे तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यार उस आइडिया में कितना पोटेंशियल था. सो अगेन मतलब इफ यू हैव द बिलीफ, इफ यू हैव द प्रिविलेज दैट यू कैन डू इट, देन यू शुड डेफिनेटली टेक दैट कॉल एंड डू इट. दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट. Awesome, awesome, awesome. Palak, any winding words for the people who are just, you can say, doing their CA journey and उसके बाद चलो वो क्लियर करेंगे. तो what should be their way of looking at the opportunities ahead? उनको क्या करना, मतलब what would be your piece of guidance for them? श्योर, तो आई थिंक फर्स्टली सीए का जो टैग है, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स दैट आई हैव इन माई लाइफ राइट नाउ. तो जो वो वैल्यू, जो वो इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, आई मीन आई कैन नॉट डिफाइन इट, बिकॉज अगर सीए नहीं होता तो शायद मैं कॉन्टेंट क्रिएशन नहीं कर रही होती. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव द सीए वाला थिंग विथ मी. वो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ तुम कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. तो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन द जर्नी एट फॉर, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, एंड जिनका क्लियर हो गया है उनको आई वुड जस्ट से कि यार अपने आप को वो रिस्ट्रिक्शन में मत रखना कि सीए किया है तो सिर्फ फाइनेंस, सिर्फ अकाउंट्स उसी में जाना है. मतलब ऑफ कोर्स इफ इट इज योर इंटरेस्ट देन वेल डन, आई मीन देन इट्स द वे फॉरवर्ड, बट इफ नॉट देन लुक एट सीए एज अ, क्या बोलते हैं, एक स्टेपिंग स्टोन होगा आपके लिए जो आपको हेल्प करेगा आपके जो एक्चुअली जो दूसरे इंटरेस्ट होंगे मे बी उनको एक्सप्लोर करने के लिए. जैसे उसने मुझे हेल्प किया है मेरा कॉन्टेंट क्रिएशन का जो स्पेस है उसको एक्सप्लोर करने के लिए. सो या आई मीन डू गुड, एंड इफ यू नीड एनी हेल्प, एनी गाइडेंस, यू कैन ऑलवेज रीच टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम, ऑन माई लिंक्डइन. आई वुड बी हैप्पी टू शेयर वट एवर आई कैन विथ यू. सो या दैट प्लीज मेक्स कम. सेंस एंड थैंक्स अ लॉट पलक फॉर टेकिंग आउट टाइम. मैं एक बार ना क्विक समराइज कर देता हूँ कि अभी सेशन हो गया है. सो व्हाट डिड वी ऑल डिस्कस अबाउट इट. तो सबसे पहले आई थिंक द सीए जर्नी जो पलक ने बताई उससे आपने एक चीज देखी होगी शी वॉज कंसिस्टेंट थ्रू आउट सीपीटी में फाउंडेशन में शी सिक्योर्ड आई थिंक अराउंड 75 to 80%. बट इसका मतलब ये नहीं था इंटर में उन्होंने हल्के में लिया वापस 500+ का स्कोर किया आउट ऑफ 800. एंड फाइनल में जो चीज हमने सबसे पहले इनसे सीखी वो यही है इमोशनल स्टेबिलिटी. शांति से पढ़ो आराम से पढ़ो इट इज नॉट सम रॉकेट साइंस. पढ़ोगे क्लियर हो जाएगा और उसके अलावा कुछ भी नहीं है इट इज जस्ट अ टेस्ट विच चेक्स योर प्रिपरेशन. पर्सनल ब्रांडिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. आप कुछ भी कर रहे हो कैसे भी कर रहे हो यू शुड डू दैट. एंड यस अपने आप को सोसाइटी के यू कैन से रिस्ट्रिक्शंस के अंदर मत डालो. जो आपका दिल कहता है आई थिंक दैट्स व्हाट शी मेंट टू से वो आपको करना चाहिए. एंड यस एक स्ट्रॉन्ग डिग्री जैसे कि सीए अगर आपके पास हो तो आप उस बेस को यूज करके जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो. सो थैंक्स अ लॉट पलक फॉर टेकिंग आउट योर टाइम. आई होप एवरीवन एंजॉयड दिस सेशन. एंड एंड में बस मैं सब बच्चों को यही बोलूंगा जो मैं हमेशा बोलता हूँ एंड पलक यू कैन टेक इट ऑन अहेड विद मी खुशी से पढ़ेंगे. तब भी आगे बढ़ेंगे. ऑसम awesome.